बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम तमाम बहन भैया, सबका क्या हाल है? अल्लाह करम शुक्र से आप बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो प्यारे बहन भाइयों, आपकी दुआओं से आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। तो आज जो बातें मैं करूँगा ना, सब बहन भाइयों के लिए हैं, मेरी स्पेशली मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए हैं। तो स्पेशल मेरी एक बंदे के लिए भी वीडियो है और तमाम जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए वीडियो है। तो प्यारे बहन भाइयों, बात शुरू करते हैं। जैसे कि सब बहन भाइयों को पता है, मेरा यह चैनल बहुत ज़्यादा पुराना है, इस पर मैं व्लॉगिंग की वीडियो बनाता था। तो अभी मतलब ये मामला सबा अहमद वाला चला तो मैंने इस पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो प्यारे बहन भाइयों, आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत से बहन भाइयों ने हमसे रब्ता किया है, व्हाट्सएप पे रब्ता किया है, कमेंट हमें किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। तो सब बहन भाई ये कह रहे हैं कि रेहान भाई, आप व्लॉगिंग की तरफ आएँ, अपने व्लॉग बनाएँ, हम इंशाल्लाह ताला आपका साथ देंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया दोबारा अदा करता हूँ कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो इतना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ऐसे ये सब आप बहन भाइयों का प्यार है जो हम वीडियो में आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला व्लॉग भी जल्दी आएगा अल्लाह के करम से, तो व्लॉग अच्छा आएगा। मतलब मैं आज व्लॉग जो मैंने पोस्ट करना है ना, शाम टाइम तकरीबन 4:15 बजे या 4:30 बजे मैं व्लॉग पोस्ट करूंगा। तो हमारे गांव में एक नौजवान शहीद हुआ था 2009 में, तो इंशाल्लाह ताला मतलब दुनिया से भूल गया है लेकिन हम नहीं भूले। हमारे साथ उसका कुछ टाइम गुजरा हुआ था तो हम उस भाई को नहीं भूले। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो में आप तमाम मतलब पूरा डाटा जो है ना, उस भाई के क्या ख्वाब थे, तो इंशाल्लाह ताला उस भाई की क्या दिल की हसरत थी, क्या वो चाहता था, क्या मतलब उसकी दिल की ख्वाहिशें क्या थी। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो मतलब मैंने पूरी मतलब मैंने तफसील के साथ आप बहन भाइयों को बताऊंगा कि एक जवान के ख्वाब क्या होते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आप बुरा ना मनाया करें, ठीक है, हम वीडियो बनाते हैं। तो टॉपिक जो आजकल मतलब ये चल रहा है, सबा अहमद व्लॉग का लोगों ने टॉपिक बनाया हुआ है, लोग इस पर बहुत बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं और हमें बदनाम कर रहे हैं। अब लोग देखें ना, आप बहन भाई कहते हैं कि व्लॉग बनाओ, अभी आप देखो ना नेट मतलब नेटवर्क का दौर है। तो आप बहन भाई खुद देख लें कि मुझे और अकरम खान व्लॉग को बदनाम किया जा रहा है। ऐ मैं खा मखा कहते नहीं है, तू कौन, मैं खा मखा, तो ऐसे नहीं करने चाहिए। मेरी उन बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि हम भी बोल सकते हैं आपके बारे में, लेकिन हम आपकी तरह नहीं हैं। हम इंशाल्लाह ताला हम आपकी तरह ज़्यादती नहीं करेंगे। आपने हमारे साथ ज़्यादती की है ना, हमारे थंबनेल लगा के, अकरम खान व्लॉग के थंबनेल लगा, मेरा थंबनेल लगा के। तो मेरी उन बहन भाइयों से दरख्वास्त है, जो बात करें सच करें, गलत बात को ना मतलब इसमें लाएं। तो आपने मतलब अकरम खान और रेहान खुशाबी को आप निशाना बना लिया, तो इस तरह ना करें। तो सबसे पहली मैं आपको बात बताता जो सबा अहमद व्लॉग, तो कल उसने मतलब एक वीडियो हमारी सिस्टर सबा ने पोस्ट की थी कि मुझे ये घर में उधर होती हूँ तो मुझे कोई पूछते ही नहीं है, ना अकरम पूछता है, मतलब अकरम आता है वो हाल चाल एक दफ़ा उसने भी पूछा है, तो बाकी अब ना अफलम पूछता है, ना अफकर पूछता है, ना मोहियुद्दीन पूछता है, सारे भाई मुझे नहीं पूछते हैं। तो प्यारी बहन, ऐसा हरगे झूठी खबर ना फैलाएं, ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप देख लें हम किस वक्त से आपके साथ खड़े हैं, जब से अहमद घर से निकला तब से हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला अकरम भाई ने बड़ा फैसला किया है। अकरम भाई ये कह रहे हैं कि मतलब मेरी अभी उनसे बात हुई है तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं सबा को लेने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो मामलात हैं इंशाल्लाह ताला शाम टाइम कम्प्लीट हो जाएंगे। तो शाम टाइम अगर अहमद ना भी आया तो सबा अपने घर आ जाएगी। मतलब अहमद गया हुआ है कहीं, मतलब अहमद घर पे नहीं है। कुछ बहन भाई ये कह रहे थे कि उधर कौन छोड़ के आया है सबा को, तो उधर अकरम ही छोड़ के आया था, तो अकरम ही उसको लेने जा रहा है। सब बहन भाइयों के ये बहुत से सवालात थे, मतलब उसका मियाँ फात नहीं तो वो कैसे गई। प्यारे बहन भाइयों, उसके भाई भी तो फात है ना, तो अकरम खान व्लॉग ही उसे छोड़ के आया था, अकरम खान व्लॉग ही उसको अपने घर आज वापस ले के आएगा। तो बाकी अहमद कहाँ है, इंशाल्लाह ताला जो शाम में वीडियो पोस्ट, आप जो कह रहे हो ना कि अहमद फात ही है, तो आपको जो शाम टाइम वीडियो पोस्ट होगी किसी चैनल पर भी पोस्ट होगी, इंशाल्लाह ताला आपको वो भी बताएँगे। और शाम टाइम मैं जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, आपने बहुत ज़्यादा साथ देना है। और ऐसे मैं जवान को सामने लाया हूँ जो 10 साल बैकअप पे चला गया है, 10 साल लोग उसको भूल भाल गए हैं लेकिन हम नहीं भूले हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, बहुत शुक्रिया, आप हमारा साथ दे रहे हैं, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे भी आपको पता है कि आजकल महंगाई का दौर चल रहा है यार, तो आप रात को देखो कितना पेट्रोल बढ़ गया, दो मतलब ये एक हफ्ते में हुकूमत ने कितना पेट्रोल महंगा कर दिया है, 60 रुपये महंगा कर दिया। गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ,
आप मुझे बताएं ना, गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ यार। अब वीडियो हम बनाते हैं, मतलब ये कुछ लोग इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर ना किया करो, हमारा फा दिया करो। मतलब जितने छोटे यूट्यूबर हैं सबका फा दिया करो आप, सब बहन भाइयों के दिल। आप बड़े यूट्यूबरों की वीडियो देखते हो ना, तो कोई फ़ायदा हासिल होना है आपको। तो सबसे एक पहली एक बात करता जाऊँ कि आप हमें कह रहे हो कि आप सब अहमद व्लॉग के साथ मिले हो, तो यार हमारी वो कम्यूनिटी ना कर देते, हमारे चैनल ना चल जाते आज तक। कैफी आप और अक्रम आप साथ मिले हुए हो यार, कोई बात करने वाली। अकरम खान व्लॉग और मैं इंशाल्लाह ताला हम साथ हैं उनके, लेकिन हमें कोई उनसे लालच नहीं है। कुछ बहन भाई कहते हैं कि वो कम्युनिटी नहीं करते, आपकी कम्युनिटी कर देते हो, आपके चैनल चल जाए। तो आप बहन भाई यार इतना प्यार दें कि हमारे चैनल वैसे ही चल जाएँ, आप बहन भाइयों का हक नहीं बनता। तो मुझे दो इजाज़त यार, देखो सारे पसीने। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपको एक अच्छे व्लॉग में। बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बिल्कुल, धूप आपको दिखाते हैं कितनी है। ये देखिए अभी मैं धूप पे आया हूँ, तो धूप बिल्कुल, ये देखिए सूरज बिल्कुल सर पर खड़ा है। तो इतनी मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाई है। ये जो आप कहते हो ना ग्रीन, मतलब आपने पीछे क्या लगाया हुआ, तो यार ये ग्रीन शीट लगी हुई है। तो बहुत सारा प्यार फब बहन भाइयों के लिए, बहुत सारी दुआएँ फब बहन भाइयों के लिए। दो में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।